सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी जो है उसकी फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और टाइप्स ऑफ कंपनी अब हम देखेंगे कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी एप्लीकेबल है इंडिया में, उसके हिसाब से अभी मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं। सबसे पहला है जो हमारा, वो है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी। और दूसरा जो है वो है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तीसरा जो है वो है वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी ये चीज़ पहले नहीं थी, ये नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है 2013 के कंपनीज एक्ट में। तो आज के वीडियो में चलिए प्राइवेट कंपनी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये नोट्स मैंने कुछ बना के रखा है, मेनली पूनम गांधी के बुक से ही हैं, पर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़ा सा टाइप कर लिया है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में है। तो आप लोग अभी सिर्फ क्लास 11 में हैं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी की जो लॉ में डेफिनेशन दी हुई है उसी को मैंने यहाँ पर उठा के लिखने की कोशिश की है। हम उसको एक बार पढ़ेंगे, जैसा कि लॉ में लिखा हुआ है हूबहू वैसा ही यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद इसका जो एनालिसिस है हम करेंगे और प्राइवेट कंपनी का मतलब जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लॉ में जैसा लिखा हुआ है वैसे मेरा लिखने का एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक मतलब है इसके पीछे, वो ये है कि आप लोग जो जाके फ्यूचर में कभी लॉ पढ़ेंगे तो लॉ के लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा फेमिलियर कराना कि लॉ में चीज़ें कैसी लिखी होती हैं, जो एक्ट्स होते हैं उसमें कैसे लिखे होते हैं। ठीक है, वो आसान शब्दों में नहीं लिखे होते हैं, उनको पढ़ के समझना पड़ता है। तो इसलिए मैंने लॉ के शब्दों को जो है एकदम जैसे हैं हूबहू वैसे ही उठाया है। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और सच हायर पेड ऑफ कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स एंड दो नंबर पॉइंट है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। उसके बाद देखिए प्रोवाइडेड दैट लिखा है, तो प्रोवाइडेड दैट क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जितना पढ़ा है उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल बोला है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेड अप ये वर्ड क्या है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आपको पता है जो कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है, शेयर्स से कंप्राइज होती है, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल होना चाहिए और सच हायर पेड अप कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, मिनिमम 1 लाख या उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है जितना आपने प्रेस्क्राइब किया हो एंड विच बाइट आर्टिकल्स, तो हर कंपनी का एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होंगे उनकी ट्रांसफरेबिलिटी की राइट जो है थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होगी। अब काफ़ी लोग इस लाइन को पढ़ के ऐसा समझेंगे कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया है, देखिए मैंने इसको कलर भी किया और थोड़ा सा अलग फॉन्ट में लिखा है, ये वर्ड है रेस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और अगर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता तो वो वर्ड होता यहाँ पे कुछ होता बैंस या रेस्ट्रिक्ट, मतलब कि रोकना नहीं। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट मतलब कि कुछ कंडीशंस लगा देना, पर पूरा पूरी रोकना नहीं होता है। तो मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं लेकिन फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आप इसको पढ़ के ये मत समझना कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते, ट्रांसफ़र हो सकते हैं पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी, अगर हम 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दें तो प्राइवेट कंपनी की जो आर्टिकल्स हैं उनमें कहा गया है कि इनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 200 होगी।
तो 1% कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए, अगर उसको हटा दिया जाए, तो किसी प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे किन किन बातों पे ध्यान दिया गया है। सबसे पहली बात है कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपए होने चाहिए, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र शेयर्स के ट्रांसफ़र के जो राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, पर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ओके, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा? 200। ठीक है, 1% कंपनी को अगर छोड़ दें, एक्चुअली बाद में आप जानेंगे कि 1% कंपनी भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी होता है, इसलिए ये चीज़ को यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे से शुरू होता है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड यानी कि इसको कहते हैं सेक्शन का जो क्लॉज है उसका प्रोविजो क्लॉज। ठीक है, प्रोविजो यानी कि इसके साथ कुछ कंडीशंस लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो बातें कही गई हैं उसके साथ यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाए हैं, तो कंडीशंस क्या है वो पहले पढ़ते हैं। वेयर टू और मोर पर्सन्स होल्ड वन और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। अब यहाँ पे कहा है कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग एक या एक से ज़्यादा शेयर को जॉइंटली होल्ड करते हैं, जॉइंटली एक साथ मिल के होल्ड करते हैं, उनको इस क्लॉज की पर्पस के लिए, यानी कि सेक्शन 2 का जो क्लॉज 68 है जो डिफाइन कर रहा है प्राइवेट कंपनी को, उनको इस क्लॉज की पर्पस के लिए एक सिंगल मेंबर माना जाएगा। मान लीजिए मैं हूँ मिस्टर ए और मेरा दोस्त है मिस्टर बी। ठीक है, दोनों ने मिल के जॉइंटली वन शेयर खरीदा है, वन शेयर खरीदा है एक कंपनी में, मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इसमें हम दोनों ने मिल के इकट्ठे एक शेयर खरीदा है। ठीक है, दोनों ने एक एक शेयर नहीं खरीदा, एक ही शेयर खरीदा है, लेकिन दोनों ने 50-50% पैसे दिए हैं, तो दोनों के जॉइंट नेम में ये शेयर है, तो हम दोनों को एक मेंबर माना जाएगा। किस पर्पस के लिए? यहाँ पे जो लिखा है ना कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। मिनिमम 2 मेंबर यहाँ पर एक्चुअली लिखा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो एक से ज़्यादा मेंबर होने ज़रूरी है। तो मिनिमम 2 मेंबर में और मैक्सिमम 200 मेंबर्स में, ये जो मेंबर्स की गिनती होगी उनके लिए हमको दो नहीं बल्कि एक मेंबर माना जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हमने, अगर मान लीजिए 101 भी साथ में शेयर्स होल्ड किए हों, 101 शेयर्स टोटल हमने होल्ड किए हैं, लेकिन जॉइंट नेम्स में, जॉइंट नेम्स यानी कि 101 शेयर ही जो हैं हर शेयर हमारे जॉइंट नेम्स में है, तो भी इन दैट केस भी हम दोनों को मिला के एक मेंबर माना जाएगा। तो ये एक कंडीशन थी, प्रोविजो थी यानी कि एक कंडीशन थी। अब प्रोवाइडेड फर्दर यानी कि कुछ और भी कंडीशंस हैं, क्या हैं चलिए पढ़ते हैं। लॉ की लैंग्वेज में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नीचे मैंने सिंपल डेफिनेशन भी लिखा है। ओके, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब कोई ऐसा मेंबर, ठीक है, जो उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में भी है, यानी कि वो मेंबर यानी कि क्या होता है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेंबर जो वर्ड है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है शेयर होल्डर। आप कंपनी के मेंबर उसके शेयर को खरीद के ही बन सकते हैं, तो मेंबर मतलब शेयर होल्डर होता है। अब कोई मेंबर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई मेंबर कंपनी का एम्प्लॉय भी होता है। ठीक है, यानी कि वो कंपनी में काम भी करता है, मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर एक बंदा है, उसने कंपनी में शेयर्स भी खरीद के रखे हैं, तो वो कंपनी का एक तरह से मेंबर भी है। तो जब हम ये मेंबर्स की गिनती करेंगे, ये जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ये गिनती जब हम करेंगे, तो इन एम्प्लॉई मेंबर्स को, इसके लिए मैंने एक वर्ड डिज़ाइन किया है, एम्प्लॉई मेंबर्स जो एम्प्लॉय भी हैं और साथ में शेयर होल्डर भी हैं, इनको हम कहेंगे एम्प्लॉई मेंबर्स। ठीक है, तो इन एम्प्लॉय मेंबर्स को इसमें गिना नहीं जाएगा। ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 का जो लिमिट है, ये जो इन्होंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करके रखी है, इस पर्पस के लिए इन एम्प्लॉय मेंबर्स को गिना नहीं जाएगा। ये तो हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है पर्सन्स हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। एक एम्प्लॉई जब इस बिजनेस कंपनी में काम करता था तब वो मेंबर था, वो शेयर होल्डर था। ठीक है, लेकिन अब वो एम्प्लॉई नहीं है, हो सकता है कि उसकी रिटायरमेंट हो गई हो सकता है उसने नौकरी छोड़ दी हो। ठीक
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया हो, ठीक है, तीनों केसेस हो सकते हैं। अब वो एम्प्लॉय नहीं है पर अभी भी वो शेयर होल्डर बना है, शेयर्स उसके पास अभी भी है, ठीक है। फिर से सुनिए, एक बंदा वो कंपनी का एम्प्लॉय था और साथ साथ उसका मेंबर भी था, यानी कि उसने शेयर्स भी होल्ड कर रखे थे, पर अब प्रेजेंटली वो एम्प्लॉय नहीं है, या तो उसकी रिटायरमेंट हो गई है, या उसकी नौकरी चली गई है, कंपनी ने निकाल दिया, या उसने खुद रिज़ाइन कर दिया, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वो एम्प्लॉय नहीं है पर फिर भी अभी भी उसने शेयर होल्डिंग रख रखी है, यानी कि वो अभी भी मेंबर है, तो उन टाइप के मेंबर्स को भी जो है इस लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेन इसका जो है जिस्ट क्या है कि जो भी एम्प्लॉई मेंबर्स हैं, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, प्रेजेंट यानी कि अभी भी एम्प्लॉयज़ हैं प्लस शेयर होल्डर्स भी हैं, पास्ट एम्प्लॉई मेंबर्स यानी कि पास्ट में एम्प्लॉय थे और शेयर होल्डर थे पर अब एम्प्लॉय नहीं है लेकिन शेयर होल्डर्स हैं, उनको इस मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 की लिमिट में हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, और पॉइंट नंबर बी क्या है, पर्संस हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये पॉइंट नंबर बी जो है ये दो बार टाइप हो गया है। ओके, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो फिर इसके बाद पॉइंट नंबर थ्री क्या है, यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट वन और टू यहाँ पे पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के राइट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। ये सेकंड वाले पॉइंट का ये दो प्रोविजो था, एक ये था कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइंटली किसी शेयर को या एक से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उनको एक सिंगल मेंबर माना जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या था कि प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉई मेंबर्स को हम इस नंबर में नहीं गिनेंगे। अब पॉइंट नंबर थ्री क्या है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अब एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो पब्लिक के पास जाकर, जनरल पब्लिक के पास जाकर ये नहीं कह सकता, उनको इन्वाइट नहीं कर सकता कि आप मेरे शेयर्स खरीद लो, आप मेरे डिबेंचर्स खरीद लो, आप मेरी कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दो। यानी कि सीधी सी बात है, जैसा दूसरे बड़े कंपनीज जैसे कि रिलायंस टाटा, आपने देखा होगा कि नॉर्मल जनरल पब्लिक जो है उनके शेयर्स खरीद सकते हैं, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो पब्लिक के पास जाके अपने शेयर्स वगैरह किसी सिक्योरिटीज़ मार्केट में या कहीं पर बेच नहीं सकते, पब्लिक से पैसा जनरली ये उठा नहीं सकते। ओके, तो ये तो लॉ की डेफिनेशन जो थी वो हमने पढ़ी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, या मैंने कोशिश तो की है बहुत समझाने की, अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख रखी है, पर फिर भी क्योंकि आपको ये चीज़ समझना चाहिए लॉ में कैसे लिखा है, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पढ़ा है। तो चलिए अब जो सिंपल डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देयरफॉर इन सिंपल वर्ड्स, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। तो कितने हैं, मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं उसमें होंगे, एक्सक्लूडिंग करेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर कोई मेंबर्स एम्प्लॉय भी हैं तो उनको नहीं गिनना है, और अगर कोई एम्प्लॉय मेंबर्स पास्ट में एम्प्लॉय थे पर अब मेंबर्स हैं एम्प्लॉयज़ नहीं है तो उनको भी नहीं गिनना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। उनके शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं पर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो थोड़े से दिक्कत से ट्रांसफ़र होते हैं, होते तो हैं पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या है ये मत पूछ लेना, ये फ्यूचर में आप डिटेल्स में जब पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में तब जान जाएंगे, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स नहीं होते। डज नॉट ऑफर इट शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, सिर्फ शेयर्स ही नहीं बल्कि डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स वगैरह भी प्राइवेट कंपनी जो है जनरल पब्लिक को नहीं बोल सकती कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो, मुझे पैसा दो, मेरे में कैपिटल इन्वेस्ट करो, या आओ मेरे पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करो, या मेरे डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करो। यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है ये पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती जनरल पब्लिक से, ठीक है। और इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख। अब पेड अप मतलब क्या, मान लीजिए कंपनी के शेयर्स हैं 50,000, 50,000 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत है ₹10। ओके, अब बहुत समय कंपनी क्या होता है, ये शेयर्स जब मार्केट में इशू करती है कंपनी, तो कंपनी ₹10 के शेयर का 2-3 भाग में पैसा पब्लिक से उठाती है, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल में जब अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उस समय ₹2 उठा लिया, फिर फर्स्ट कॉल में और ₹2 उठा लिया, फिर सेकेंड कॉल में ₹3 उठा लिया, ठीक है। तो ₹10 के 50,000 शेयर्स है कंपनी के, तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई,
टोटल शेयर कैपिटल हो गई 50,000 × 10, यानी कि ₹5 लाख। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर कंपनी चाहती है कि अभी मुझे 5 लाख रुपए मार्केट से उठाना नहीं है, अभी मुझे अपने मेंबर्स से सिर्फ 2 लाख रुपए उठाने हैं। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन जब लोग शेयर के लिए जब शेयर्स की अलॉटमेंट हो रही थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट के समय कंपनी ने ₹2 पर शेयर उठाए, यानी कि 1 लाख रुपए उठाए। ओके, और फिर फर्स्ट कॉल एक और कॉल किया, शेयर होल्डर्स को बुलाया, बोला कि ठीक है आपके ₹10 के शेयर में आपने ₹2 ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम दे दिए थे, अभी और ₹2 दे दो। ये कुछ दिन बाद उसने और ₹2 उठा लिया पर शेयर, यानी कि और 1 लाख रुपये उठा लिया। तो ये जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है 5 लाख, इसमें से पेड कितना हुआ है, मेंबर्स ने पे कितना किया है, मेंबर्स ने पे किया है 1 और 1 ₹2 लाख सिर्फ अभी पे कर रखे हैं, और बाकी जो 3 लाख हैं, ठीक है, वो अभी तक कंपनी ने पैसे उठाए नहीं है, यानी कि पेड अप नहीं हुए हैं वो पैसे। तो पेड अप कैपिटल कितना होगा, सिर्फ 2 लाख रुपए। यानी कि कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इशू किए हैं, वैसे प्राइवेट कंपनी मार्केट में तो इशू नहीं कर सकती, इनके पर्सनल मतलब जो जाने पहचाने लोग, जनरली फैमिली मेंबर्स वगैरह, दोस्त वगैरह, उन लोगों को ये लोग शेयर्स इशू करके पैसा उठाते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास जाके ये पैसा नहीं उठा सकते। तो उन मेंबर्स को जिनको भी इन्होंने अप्रोच किया है शेयर कैपिटल के लिए, उन मेंबर्स को उन्होंने अगर 50,000 शेयर्स दिए हैं, तो पूरा पैसा अगर नहीं उठाया, तो जितना भी पैसा उठाया है उसी को पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो मिनिमम 1 लाख की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। अब अगले वीडियो में जो है हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, और हर मोड पे, कॉमर्स के हर मोड पे कंपनी जो है, कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा, इसलिए इसको अच्छे से देखना और अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।